हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मनाली पार्ट टू में आपका स्वागत है। और आज हम आपको लेके चलेंगे कलगा और बनाएंगे खुद ही खाना, क्योंकि हमने एक बार भी रेस्टोरेंट से बाय नहीं किया। जो भी खाना खाया है हमने खुद अपने हाथों से बनाया और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट। और आगे देखते हैं, हम आगे भी कलगा में जा रहे हैं और कलगा में भी हम बहुत सारी डिशेज बनाएंगे। और चलिए देखते हैं, ये विश पूरी करने के लिए लोग लगाए गए यहाँ पर, और वहाँ पर आप देख सकते हो पूरा गर्म पानी वहाँ से बह रहा है। वहाँ पे मणिकरण साहिब जी का गुरुद्वारा है, ये मणिकरण साहिब जी है और यहाँ पर गुरुद्वारा है। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा श्रद्धा रहती है और यहाँ मत्था टेकने जाते हैं और साथ में गर्म पानी में नहाते हैं। विश के लिए यहाँ पर ताले बांधे हुए हैं, जिसकी विश पूरी होगी यहाँ पर ताला लोग लगाया है, जब उसकी विश पूरी हो जाएगी ये लोग को खोल देंगे। अभी हम कसौल में आ जाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज आपको लेके जाएंगे कलगा और अभी सुबह के जो बज रहे हैं 11 बजे का समय हो चुका है और अभी आपको व्यू दिखाएंगे। कलगा में देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है और ये चंडीगढ़ से 300 किलोमीटर की दूरी पर है, यानी कि 350 किलोमीटर भी हो सकता है, ऊपर नीचे इतना चलता है। और अभी हम यहाँ से चढ़ाई चढ़ रहे हैं और सांस बहुत ज़्यादा फूल चुका है। ऊपर जाके आपको दिखाते हैं दिखने में कलगा किस तरह से नज़र आता है और वहाँ का जो व्यू होगा वो भी आपको दिखाएंगे। अभी के लिए धन्यवाद। और फिलहाल आप यहाँ से एक व्यू देख सकते हैं, देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, मज़ा आ जाएगा आपको। वीडियो पूरी देखते रहिए आखिरी तक, जिससे आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। चलिए आगे चलते हैं। फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं कलगा विलेज और यहाँ से ट्रैकिंग है थोड़ी सी। रास्ता कुछ दिखने में कुछ इस तरह से है और व्यू आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा सुंदर। उन पहाड़ियों पे घर बने हुए हैं और छोटे छोटे घर देखने में कितने सुंदर लग रहे हैं। सीधी ही चढ़ाई है, चढ़ते चढ़ते आराम से चढ़ना ठीक रहेगा यहाँ पे, जिससे जल्दी सांस चढ़ जाता है। जाते हुए थोड़ी मुश्किल होती है, आते हुए ऊंचाई में पता नहीं लगता मगर जाते हुए पूरा पता लगता है। अभी हम जा रहे हैं कलगा, बहुत ही सुंदर व्यू नज़र आते हैं, सुना था। आज देखते हैं दिखने में कलगा किस तरह का नज़र आता है। तो आप देख सकते हो अभी ये जो थोड़ा सा रास्ता है, थोड़ा सा पानी की वजह से थोड़ा ज़्यादा ख़राब हो चुका है और देखो चढ़ने में कितना ज़्यादा मुश्किल है। आगे लोग जा रहे हैं, आप देख सकते हैं एक पैर फिसला काम ओके। तो रास्ता इस तरह से है कुछ देखने में। सूरज पड़ रहा है, शायद दिख नहीं रहा होगा, अभी इतनी ऊपर आ चुके हैं हम। हम पहुंच चुके हैं कुछ ऊपर, देखने में कुछ इस तरह से नज़र आता है। ये कैफ़े है, और फ्रेंड्स देख सकते हो यहाँ पर टावर है, फिर आपको कॉल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, नेटवर्क पूरा आएगा आपको यहाँ पे, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और यहाँ पर रेस्टोरेंट कैफ़े आपको बहुत से मिल जाएंगे जहाँ पर आप रह सकते हैं। बाकी चलते हैं, हम आगे आपको दिखाएंगे क्या क्या मिलता है यहाँ पे। यहाँ पर नॉर्मली सेब के खेत हैं, यहाँ पर सेब की खेती होती है वेदर के हिसाब से। और अभी तो फ़िलहाल ऊपर तो पहुँच चुके हैं, कुछ इस तरह से बना हुआ है, दिखने में कुछ इस तरह से बिल्डिंग्स नज़र आएगी आपको। वहाँ पे स्नो ऊपर, इस तरह से कैफ़े बने हुए हैं, यहाँ पर आप रेस्ट कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर देखने में, धूप बहुत अच्छी खिली हुई है, ऐसा नहीं है। अभी हम नवंबर लास्ट में आए हैं तो
इतनी ठंड नहीं है दोपहर के टाइम। रात को थोड़ा सा टेम्परेचर कम हो जाता है बट दिन में एकदम सही रहता है नॉर्मल, क्योंकि धूप कुछ इस तरह से पड़ रही है। अभी थोड़ा थोड़ा सा ऊपर अभी हम चढ़ाई चढ़े हैं तो उसकी वजह से हमें थोड़ा थोड़ा पसीना भी आ गया। तो इधर से गए थे, इधर से ये रास्ता है कुछ इस तरह से। यहाँ पर टेंट सिस्टम भी मिल जाएगा, अगर आप टेंट में रहना चाहते हैं टेंट में रह सकते हैं। उसके बाद कैफे में जाना चाहें तो कैफे में जा सकते हैं। रास्ता अभी यह ऑफ सीजन है तो ज़्यादा टूरिस्ट नहीं मिलेंगे तो आपको कमरा ढूंढने में आसानी हो जाएगी। कुछ इस तरह से बने हुए हैं, फाइनली फ्रेंड्स हम पहुंच गए हैं। यहाँ पर हमने लिया है अपना टेंट, यहाँ पर इस तरह से कुछ टेंट है और यहाँ पर अभी फ़िलहाल हम यहाँ बैठे हैं और यहाँ पर अभी कुकिंग भी करेंगे, वो भी आपको दिखाएंगे। बहुत ही सुंदर मौसम है और ना ज़्यादा गर्मी लग रही है ना ज़्यादा ठंड, और अभी आपको बात कराते हैं अगर आपने यहाँ पर आना है और इस टेंट को टेंट में रहना है तो यहाँ पर आपको कितना खर्चा आ सकता है उसके बारे में आपको बता देंगे। ये देखो ये जो भैया हैं ये यहाँ के ओनर हैं। तो यहाँ पर भैया अपना एक टेंट का कितना रेंट पड़ जाता है आएंगे? वैसे तो 200 रुपये पर बंदे का लेते हैं। 200 रुपये पर बंदे का, ओके। पर अब अभी तक कुछ नहीं है क्योंकि ऑफ ही ये चला हुआ काम, तो न्यू ईयर के टाइम में लगेगा पता ओके कि रेट क्या चलता है। ओके, ये जो सीजन चलता है ये न्यू ईयर टाइम में सीजन स्टार्ट हो जाता है, न्यू ईयर टाइम में लगेगा ना क्योंकि न्यू ईयर के टाइम पे बढ़ जाता है रेट। ओके, क्योंकि मिलती नहीं है, जगह नहीं मिलती है फिर। ओके, तो और यहाँ पर पूरा बोन फायर हो जाता है आप अपनी तरफ से अगर आप कुकिंग करना चाहते हैं, जिस तरह से हम यहाँ पर कुकिंग कर रहे हैं तो उस तरह से आप यहाँ पर आके कुकिंग कर सकते हैं। देखो अभी गंद ना फैलाना क्योंकि बहुत ज़रूरी है हिमाचल को साफ़ सुथरा रखना, डस्टबिन का पूरा उपयोग करना। और तो अभी बात करते हैं कैसा लग रहा है अभी? बहुत अच्छा, मजा आ गया, ऐसा मजा कहीं नहीं आया जैसा यहाँ आ रहा है मजा। और व्यू देखो यहाँ पे, व्यू तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और सामने एक पहाड़ है और उस पे स्नो पड़ी हुई है जो दिखने में बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लग रही है। तो और जो टेंट है वो टेंट में आपको नज़र दिखा देता हूँ, टेंट दिखने में किस तरह से नज़र आते हैं। और टेंट जो नज़र आएंगे कुछ इस तरह से, बेडशीट आपको एक्स्ट्रा भी मिल जाएगी अगर आपको ठंड लगती है रात को। लाइटनिंग का पूरा प्रोग्राम है यहाँ पर और यहाँ पर स्विच भी मिले, अगर आप चार्ज करना चाहते हैं अपना फ़ोन तो चार्ज भी कर सकते हैं। और भैया इस जगह का क्या नाम है आपके इस एरिया का? यानी कलगा में आपका ये एरिया? ये वाइल्ड चाइल्ड नाम वाइल्ड, ये वाइल्ड चाइल्ड वाइल्ड चाइल्ड नाम से है। तो कभी भी आएंगे तो बिंदास आपकी पूरी हेल्प होगी। चलो मिलते हैं फिर आपको जब बनाएंगे कुछ। बर्नर है जो इस तरह से हमने रखा हुआ और हम यहाँ पर खुद ही बना रहे हैं और खुद ही खा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं खुद बनाना तो बना सकते हैं, ये है बर्नर। चलो बना के दिखाते हैं अभी इस पे आपको। इसका आसान है, यहाँ पर इसकी कैप लगी हुई है तो लगाना है इसको, बहुत आसान है। ये कैप लगी होती है इसके साथ और यहाँ पर एक खांचा मिला हुआ है, खांचे में आप इसको इस तरह से सेट करेंगे और यहाँ से ऐसे करके गोल घुमा देंगे। अब ये फिट हो चुका है, अभी मैं आपको चला के दिखाता हूँ। ये चल चुका है, अभी फ्लेम आपको नज़र नहीं आएगी, धुआं नज़र आ चुका है। और इसी तरह से इसको बंद कर देते हैं और फिलहाल अब बनाते हैं पास्ता और पास्ता यहाँ पर खाएंगे, मज़ा आ जाएगा। चलो अब शुरू। तो पास्ता भी रेडी हो रहा है, इसको अभी बॉयल कर रहे हैं, इसमें ऑयल डाल दिया ताकि चिपके ना। दोनों से कनेक्टेड है
अरे भाई मिक्स भी करता रहूंगा ना साथ से। चलो कोई नहीं बोलेगा भाई, 1,00,000 तो साफ रेट भी लगेगा। इवनिंग टाइम साइलेंट व्यू। तो फ्रेंड्स, वीडियो होगी है थोड़ी सी लंबी और नेक्स्ट पार्ट में हम खाना बनाएंगे, रात का खाना, और शाम को थोड़ा सा स्नैक्स बनाएंगे, फ्राइड चिकन बनाएंगे, और रात के खाने के लिए हम अंडा करी विद राइस बनाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।